हेलो गाइस, मेरा नाम है अरविंद और आपका अरविंद टेक्निकल चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा कि अपने कंप्यूटर में स्पाइस मनी को कैसे यूज करेंगे और उसकी एक एक सर्विस के बारे में बताने जा रहा हूं। अगर आपको भी जानना है कि स्पाइस मनी में आप क्या क्या सर्विस यूज कर सकते हैं तो प्लीज़ इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मैं अपने स्पाइस मनी आईडी को लॉगिन कर लेता हूं। मैं फर्स्ट में यहां पर अपनी एजेंट आईडी को डाल दूंगा। आप भी एजेंट आईडी में अपना आईडी डाल दें और नीचे अपना पासवर्ड दर्ज कर लें। मैं अपना पासवर्ड दर्ज कर लेता हूं और नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लें और लॉगिन पर क्लिक करते हैं। अब जिस भी नंबर मोबाइल नंबर पर आपका स्पाइस मनी आईडी लॉगिन होगा उस मोबाइल नंबर पर 6 डिजिट का कोड आएगा। उस ओटीपी कोड को हम यहां पर दर्ज कर लेंगे और नीचे सबमिट पर क्लिक कर देंगे। ये देखिए, जो भी नोटिफिकेशन होगी वो हमारे सामने दिख जाएगी। हम इसे कट कर देते हैं, इस ऐड को भी हम कट कर देते हैं और प्रोफाइलिंग के ऐड को भी कट कर देते हैं। ये देखिए, हमारी स्पाइस मनी आईडी लॉगिन हो चुकी है। आप देख सकते हैं, सबसे पहले मैं बात करूं अपने यूजर आईडी की तो सबसे ऊपर देख सकते हैं अरविंद 5494 33 करके, और साइड में वॉलेट का ऑप्शन, वॉलेट में पैसे भी शो हो रहे हैं और सबसे लास्ट में लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। हम उससे लॉग आउट कर सकते हैं अपनी आईडी को। आप यहां पर बहुत अच्छे से देख सकते हैं क्या क्या सर्विस हमको मिल रही है। हम एक एक सर्विस के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम अकाउंट में आएंगे, एजेंट प्रोफाइल का ऑप्शन है, हम उस पर क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं जिसके नाम पर ये स्पाइस मनी आईडी बनी होगी उसका नाम यहाँ पे शो होगा, उसका मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, चाहे तो आप यहीं से मोबाइल नंबर ईमेल आईडी को अपडेट भी कर सकते हैं और कमीशन स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं। मैं इसे बैक कर लेता हूँ और आपको एक एक सर्विस के बारे में बताता हूँ। सबसे पहला सर्विस एपीएस का है, हम एपीएस पर क्लिक करते हैं। एपीएस में सबसे ऊपर देख सकते हैं ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री पर क्लिक करके सारी हिस्ट्री को देख सकते हैं। दूसरे नंबर पर मूव टू बैंक और कमीशन की सेटिंग भी आप देख सकते हैं, स्टेटमेंट की हिस्ट्री भी देख सकते हैं, बैंक की सेटिंग, डिवाइस, बायोमेट्रिक हेल्प, आप सभी तरह, और नीचे जितने भी न्यू प्लान होंगे वो यहाँ पे दिखलाई देंगे। आप किसी भी प्लान को एक्टिवेट करके उस पर काम कर सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। मैं इसे ये यस बैंक से डायरेक्ट लिंक है, मैं इसे बैक कर लेता हूँ और आपको आगे की सर्विस के बारे में बताना चाहता हूँ। एपीएस में आप सबसे नीचे देखेंगे, यहाँ पर अपने किसी भी कस्टमर के आधार कार्ड से पैसे को निकाल सकते हैं, जमा कर सकते हैं या उसकी बैलेंस की इंक्वायरी भी कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कैश विड्रॉल में जाकर के पैसे निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, बैलेंस इंक्वायरी तथा कैश डिपॉजिट भी कर सकते हैं। आप मैं यहां पर मिनी स्टेटमेंट जैसे चेक करना चाहता हूं, मिनी स्टेटमेंट पे क्लिक करूंगा, अपने डिवाइस को सिलेक्ट करूंगा, मोर्फो मंत्रा जो भी है मैं मोर्फो सिलेक्ट करता हूं, मेरा डिवाइस मोर्फो है, मैं मोर्फो सिलेक्ट कर लिया और यहां पर अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर हम दर्ज कर लेंगे। जो भी स्टेटमेंट होगा उसके मोबाइल नंबर पर चला जाएगा। आधार कार्ड, हम यहाँ पर कस्टमर का आधार कार्ड नंबर डाल देंगे और नीचे सभी तरह के बैंक आपको देखने को मिलेगा। आप के कस्टमर का जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक को सिलेक्ट कीजिए, अन्यथा यहाँ सिलेक्ट बैंक में जाएंगे पूरा सारा बैंक यहाँ पर देखेगा। आपके कस्टमर का जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक को आप सिलेक्ट कर लीजिएगा और नीचे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करके स्कैन फिंगरप्रिंट इन सबमिट पर क्लिक करना होगा।
ये टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करने के बाद ग्रीन कलर में हो जाता है। अब मनी ट्रांसफ़र के बारे में जानते हैं। स्पाइस मनी, सबसे पहले हम स्पाइस मनी के बारे में जानेंगे। मैं स्पाइस मनी के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अपने कस्टमर का मोबाइल नंबर दर्ज करके सबमिट करेंगे, नीचे उसकी डिटेल आ जाएगी। मैं बैक चलता हूँ और मनी ट्रांसफ़र में अब स्पाइस मनी यस बैंक के ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। आप इसके बारे में भी जान लें। सबसे ऊपर अपने यस बैंक से रिलेटेड देख सकते हैं और अब यहाँ पर अपने हम सेंडर का मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और सबमिट कर देंगे, नीचे उसकी डिटेल शो होने लगेगी और हम उससे पैसे सेंड कर सकते हैं। मैं से बैक चलता हूँ और स्पाइस मनी में तीसरे ऑप्शन स्पाइस मनी ऐप के बारे में, तो ये ऐप आप इसकी स्पाइस मनी की ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्लाइट बुकिंग पे जाते हैं, हम फ्लाइट बुकिंग पे के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। ये देख सकते हैं आप जहाँ से फ्लाइट बुकिंग करना चाहते हैं आप उस जगह का यहाँ पे नाम दर्ज कर लेंगे और टू पे जहाँ पर आपको जाना है वहाँ टू पर लिख लेंगे। यहाँ पर डेट सेलेक्ट कर लेंगे, टाइम सेलेक्ट कर लेंगे, नीचे एड्रेस को सेलेक्ट कर लेंगे, आप कितने बच्चे हैं या नहीं उसको सेलेक्ट कर लेंगे, कितने बच्चे जा रहे हैं साथ में, और अपनी क्लास को भी सिलेक्ट कर लेंगे। सारी डिटेल फिल करने के बाद फ्लाइट बुक पर क्लिक कर देंगे। मैं बैक चलता हूँ, मोर के ऑप्शन पे आएंगे और भारत बिल पे पे हम क्लिक कर देंगे। अब मैं आपको इसमें एक एक सर्विस के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला सर्विस इसमें भारत बिल पे में इलेक्ट्रिसिटी का है, आप यहां से इलेक्ट्रिसिटी का बिल भी भर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। मैं इलेक्ट्रिसिटी बिजली बिल सबसे ऊपर इलेक्ट्रिसिटी मोबाइल नंबर दर्ज कर सकते हैं। यहाँ पर मोबाइल नंबर का स्टेट, यहाँ पर जितने का आपको डालना है उतने का, और नीचे सभी बेस्ट प्लान शो हो रहे होंगे और प्रोसीड टू पे पे हम क्लिक करेंगे। तीसरे नंबर पर डीटीएच, यहाँ पर हम उस डीटीएच का नाम सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर रजिस्टर मोबाइल नंबर को डाल देंगे और जितने का हम और नीचे जितने का हम बैलेंस डालना चाहते हैं उतना वो करके कस्टमर का मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड टू पे पे क्लिक कर देंगे। फास्टैग, हम यहाँ पर फास्टैग को भी अपने फास्टैग को भी रिचार्ज कर सकते हैं। नीचे एलपीजी सिलेंडर, यहाँ पर हम अपने एलपीजी सिलेंडर का प्रोवाइडर नेम मोबाइल नंबर डाल देंगे। नीचे लोन रिप्लेमेंट, यहाँ पर नाम हर चीज डाल सकते हैं। यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट करेंगे और जहाँ से हमें लोन प्रोवाइड हो रहा है उस कंपनी का नाम डाल देंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे और फिर पे क्लिक करेंगे। लाइफ इंश्योरेंस की बात करते हैं तो हम लाइफ इंश्योरेंस में हम अपने स्टेट को सेलेक्ट कर लेंगे, उस प्रोवाइडर का नाम सेलेक्ट कर लेंगे जिस भी कंपनी से हमें लाइफ इंश्योरेंस मिला है और मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे। फेस टू बिल पर क्लिक करेंगे। मोबाइल पोस्ट पेड के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दर्ज कर देंगे और नीचे जिस भी कंपनी से सर्विस प्रोवाइड हो रही है हम उस कंपनी को सिलेक्ट कर लेंगे और नीचे अल्टरनेट मोबाइल नंबर डाल के प्रोसीड टू प्ले पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं ब्रॉडबैंड का भी ऑप्शन आ रहा है, ब्रॉडबैंड आप वही सब चीज़ है और गैस बिलिंग भी कर सकते हैं, वाटर का बिल भी भर सकते हैं। हम अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे, जिस कंपनी से हमें वाटर सप्लाई हो रहा है उस कंपनी का नाम, केबल टीवी, हाउसिंग सोसाइटी, म्यूनसिपल टैक्सेस, एजुकेशन की फ़ीस, हम यहाँ से किसी भी स्कूल या कॉलेज का फीस भी जमा कर सकते हैं। हम एजुकेशन फ़ीस पर क्लिक करेंगे, अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे
और जिस भी स्कूल या कॉलेज का है हम उस कॉलेज को या स्कूल को सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे और फेस टू बिल पर क्लिक करेंगे। हेल्थ इंश्योरेंस की हम बात करें तो हम अपने स्टेट का हेल्थ इंश्योरेंस स्टेट सेलेक्ट करेंगे। जिस भी कंपनी से हेल्थ इंश्योरेंस प्राप्त है हम उस कंपनी को सिलेक्ट करेंगे और नीचे मोबाइल नंबर डाल के हम दर्ज कर देंगे। हॉस्पिटल का भी हम बिल भर सकते हैं। और सबसे नीचे क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन आ रहा है, हम यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अपना स्टेट सेलेक्ट करेंगे और प्रोवाइडर सेलेक्ट करेंगे। मोबाइल नंबर दर्ज करके अपना क्रेडिट कार्ड का बिल भी भर सकते हैं। मोर के ऑप्शन के सारे हम कवर कर चुके हैं। अब मैं आपको इसकी बाहर की सर्विस के बारे में बतलाता हूँ। मैं डैशबोर्ड में आ जाता हूँ और दूसरे नंबर पे आप देख सकते हैं स्पाइस मनी एटीएम। आप स्पाइस मनी में एक मिनी एटीएम भी यूज कर सकते हैं। बड़ा बाजार, सुरक्षा, लॉयल्टी पॉइंट्स, एपीएस, एपीएस का सुविधा वही है जहाँ से मैंने आधार कार्ड से पैसे निकालने, स्टेटमेंट चेक करने या बैलेंस इंक्वायरी के बारे में बताया था, ये वही ऑप्शन है। हम डैशबोर्ड में आते हैं और यहाँ पर कैश कलेक्शन का वही ऑप्शन है। हम अपने यहाँ पर कैश कलेक्शन में जाएंगे। हम यहाँ पर जिस भी कंपनी को सिलेक्ट करेंगे, हम सबमिट करेंगे, हम उस कंपनी से कैश को कलेक्ट भी कर सकते हैं। और आधार पे के ऑप्शन के बारे में मैं बात करूं तो आधार पे का ऑप्शन आधार इनेबल पेमेंट से जुड़ा हुआ है। सीधे आप आधार कार्ड से किसी को पैसे पे भी कर सकते हैं, इसके बारे में हम अलग से बात करेंगे। ये देख सकते हैं DMT का मतलब डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र के बारे में होता है। मैं इस पर आप फिनो ट्रांसफ़र भी यहाँ से कर सकते हैं 25,000 से ऊपर। आप DMT के बारे में भी डोमेस्टिक मनी ट्रांसफ़र और मोबाइल नंबर, यहाँ पर हम अपने मोबाइल को रिचार्ज कर सकते हैं। LIC पेमेंट्स के बारे में बताता हूँ। LIC पेमेंट्स का मतलब आप LIC लिए हुए हैं तो उस LIC का बिल भी आप यहां से भर सकते हैं। मोबाइल नंबर दर्ज करेंगे, शायद यहां पर पॉलिसी नंबर दर्ज करेंगे, कंटिन्यू टू पे पे क्लिक कर देंगे। जितने का पॉलिसी होगा उतना पे हो जाएगा। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल के बारे भी मैं बात कर चुका हूं। यहां से आप इलेक्ट्रिसिटी पे क्लिक करेंगे, अपने स्टेट का नाम सेलेक्ट करेंगे जहाँ से प्रोवाइड हो रहा है, उस प्रोवाइडर सर्विस का नाम सेलेक्ट करेंगे, सर्विस नंबर सेलेक्ट करेंगे, सिटी सेलेक्ट करेंगे, मोबाइल नंबर दर्ज करके फेज टू बिल पे क्लिक कर देंगे। आप DTH रिचार्ज भी कर सकते हैं और अच्छा खासा कमीशन कमा सकते हैं। मैजिक कैश, आधार ATM, आप ATM प्रिंटर, आप एक छोटा प्रिंटर भी यहाँ से ले सकते हैं। सिर्फ 499 रुपीज़ में आप यहां से किसी भी प्रकार का बायोमेट्रिक डिवाइस, अगर इंस्टॉल करने में दिक्कत जा रहा है तो बायोमेट्रिक डिवाइस को भी आप यहां से डाउनलोड कर सकते हैं। आप यहां से अपना स्टेटमेंट भी चेक कर सकते हैं, वॉलेट का पूरा स्टेटमेंट, कितना क्या किया है आपने। और मैं डाउनलोड, अगर आप अपने वॉलेट की समरी को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं। भारत बिल पे का ऑप्शन वही है जहां से आप बिजली बिल, मोबाइल रिचार्ज, DTH, फास्टैग, हर तरह की सर्विस को यूज कर पाएंगे। और आप पैन कार्ड पे जाकर न्यू पैन कार्ड भी अप्लाई कर सकते हैं या पैन कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। इसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। आप सबसे लास्ट में QR कोड का भी ऑप्शन देख पा रहे होंगे। इस QR कोड को आप प्रिंट करा के अपने शॉप या अपने दुकान पर लगा सकते हैं। कोई भी पर्सन इस QR कोड को स्कैन करेगा तो सीधे पैसे आपके स्पाइस मनी के वॉलेट में ऐड हो जाएंगे। तो ये रहा आपका स्पाइस मनी का कंप्लीट वीडियो। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए।
और इससे रिलेटेड सारी सर्विस, जैसे कि पैसे निकालना, बैलेंस इंक्वायरी करना, हर चीज़ के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।